हेलो दोस्तों, आज हमारा फिर से न्यू वीडियो है एनालॉजी चैप्टर का। दोस्तों यह संदर्भ जिससे संबंधित रखता है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना समय बिताए इसे सॉल्व करते हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि अश्वशाला में घोड़ा रहता है, सुअर भाड़ी में कौन रहता है? चलिए बताइए दोस्तों, क्या गाय, भैंस या सुअर या मक्खी? चलिए दोस्तों बताइए इसमें कौन सा होगा। दोस्तों हमारे ख्याल से दोस्तों सुअर भाड़ी में सिर्फ सुअर ही रह सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट उपग्रह कक्षा तो प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, उपग्रह में कक्षा में रहता है तो प्रक्षेपास्त्र कहाँ रहता है? तो वह है घट, प्रवस्था, अस्त्र या ऑल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उसका काम है कि वो हमारा प्रवस्था में ही रहना सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्षा मापी से वर्षा नापते हैं, सिस्मोग्राफ से क्या नापेंगे दोस्तों? तापमान नहीं दोस्तों, प्रवाह धारा नहीं दोस्तों, भूकंप नहीं दोस्तों, ये ऑल। इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों सिस्मोग्राफ से भूकंप को नापते हैं, हमारे भूकंप नापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर क्या करा, नगर में अगर देश है, ठीक है दोस्तों नगर देश है तो पृथ्वी क्या है? विश्व है, सौरमंडल, महासागर या ग्रह है हमारा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर नगर में हमारा पूरा देश में हमारा नगर है तो पृथ्वी में हमारा विश्व नहीं, पूरा हमारा सौरमंडल बसा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका आंसर ही होगा सौरमंडल, ये महासागर भी नहीं होगा दोस्तों, ग्रह भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, थोड़ा सुपर करते हैं दोस्तों। ये देखिए आप क्या कहता है, प्रथम का अंतिम है, मतलब जो शुरुआत हुआ तो उसका लास्ट क्या है, अंतिम दिया हुआ है, तो निष्ठा का क्या है तो शत्रुता या विश्वासघात या घृणा, ऑल। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं किसका क्या होगा। ठीक है, अगर हम फिर से पढ़ते देखिए, प्रथम का अंतिम, ठीक है लास्ट है, जो प्रथम है वो अंतिम है, और निष्ठा का तो शत्रुता, विश्वासघात या घृणा। तो निष्ठा मतलब जो हम एकदम अटल रहें, जो हम सच तो धोखा करें तो इसको विश्वासघात। ठीक है दोस्तों, ये डंठल का घास, तना का क्या होगा, मछली, वृक्ष, पशु या बक्सा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें तो एकदम देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही आसान है, अगर डंठल का घास है मतलब तिनका है तो उसका घास में बताया गया है, तो तना को किस में, मछली तो नहीं दोस्तों, पशु भी नहीं, बक्सा भी नहीं, लेकिन वृक्ष, वृक्ष का तना हो सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, कब कहाँ, तो कब को कहाँ से अंतर दिया गया है कि कब और कहाँ है, तो समय को किससे अंतर दिया है, धन, दिन, देखना या प्रस्थान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कब कहाँ समय, ठीक है आपका यहाँ पर कब कहाँ समय, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कब कहाँ जाना है, समय तो धन, दिन, देखना, स्थान, तो जब समय तो स्थान, किस समय कहाँ स्थान पे बुलाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए भाग का संपूर्ण है और चाप का क्या होगा, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, समतल। ठीक है दोस्तों, तो भाग का संपूर्ण पूरा करते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या पूछ रहा है कि चाप का क्या होगा, त्रिभुज नहीं दोस्तों, वर्ग, स्क्वायर, वृत्त, रेक्टेंगल, तो समतल, तो इसको वर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता है सोमवार को अगर चंद्रमा है तो मंगलवार को क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि अगर सोमवार को चंद्रमा दिया हो तो मंगल को तो बुध नहीं होगा, मंगल को मंगल ही होना चाहिए दोस्तों, यानी मंगल को मंगलवार, मंगलवार को मंगल होगा, यानी प्लूटो बृहस्पति नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।